हमारी आज की कहानी है द लायर। इस कहानी की तीन मेन थीम्स हैं, फ्रेंडशिप, इनोसेंस एंड इमेजिनेशन। इस कहानी का जो मेन कैरेक्टर है वो लब्बू है, जो कि एक लो कास्ट से बिलोंग करता है। बाय प्रोफेशन वह शिकारी है और वह जो है बहुत ही अच्छा स्टोरी टेलर भी है। और अगर हम उसकी अपीयरेंस देखें तो लब्बू है जो पतला सा छोटा सा एक बंदा है, जो हमेशा अपना भाला और तीर है अपने साथ रखता है। वह सूबेदार दीप सिंह को उसकी हंटिंग में असिस्ट करता है और गांव के लोग उसे इतना पसंद करते हैं कि उसकी नीची जाति के बावजूद भी वह उसे अपने साथ बनियन ट्री के नीचे बैठने देते हैं। और जो नरेटर है उसकी मदर भी उसके साथ बैठने पर उसे अपने आप को प्योरीफाई करने के लिए, नहाने के लिए नहीं बोलती है। लब्बू इतना अच्छा स्टोरी टेलर है कि जो नरेटर है इस वजह से उसका फॉलोअर बन गया है। और लब्बू ने उसे हंटिंग करना भी सिखा दिया है कि कैसे वाइल्ड एनिमल्स को ट्रैक करते हैं। पर फिर भी जो नरेटर है उसे उस पर संदेह होता है कि वो जो बोलता है वह झूठ बोलता है, क्योंकि गाँव के लोग ऐसा कहते हैं कि वह अपनी तरफ से जो कहानियाँ बनाकर झूठ है वो लोगों को सुनाता रहता है। तो इस डाउट को क्लियर करने के लिए वह एक दिन उसे अपने साथ ले जाता है, जहाँ वो उसे एक रैम को, जो बिग शीप होती है, उसे पकड़ कर दिखाता है कि वह झूठ नहीं बोलता, वो सच में हंटिंग करना जानता है। तो इस पर है जो नरेटर फिर सवाल कर देता है कि जो उसका वो डेविल रैम वाली कहानी थी वह झूठी थी। तो जो लब्बू है वह उसे वो कहानी सुनाता है कि वह कहानी झूठी नहीं थी, तुम चाहो तो सूबेदार दीप सिंह से पूछ सकते हो कि हम जब देवी पर्वत पर गए थे हंटिंग करने के लिए, उस वक्त वह जो एक डेविल रैम था, मॉन्स्टर की तरह दिखता था, वह उन्हें दिखाई दिया था, जिसके कि बड़े बड़े कान थे जैसे एलिफेंट के होते हैं और उसकी आंखें इतनी बड़ी बड़ी थी जैसे कि हैन के जो एग्स होते हैं ऐसे। और जब वह मॉन्स्टर वहां पर आया था तो उस टाइम पर जो पत्थर थे पहाड़ी पर वह हिलना शुरू हो गए थे, जोर जोर से हवा जो चलनी शुरू हो गई थी, और उस टाइम पर थंडरिंग की आवाज़ भी आ रही थी। और उसके आने से जो माउंटेन है उस पर एक बहुत बड़ा है जो एक क्रैक आ गया था। और उसके बाद वह बताता है कि जैसे ही उस मॉन्स्टर ने शीका वैसे ही माउंटेन है जो वो एक तरह से क्रैक हो गया था। बट फिर भी जो नरेटर है वह उसकी बातों का यकीन नहीं करता है और कहता है कि वह लायर है, वह झूठा है। यह बोलते हुए वह वहाँ से भाग जाता है और लब्बू भी उसे वहाँ से जाने के लिए बोल देता है कि आगे से वह उसकी स्टोरीज है वो सुनने के लिए ना आए। अब इसके बाद है जो लब्बू है वो सूबेदार के बेटे कुलदीप सिंह के साथ है, वो नेपाल चला जाता है हंटिंग के लिए। जिस कहानी पे जो नरेटर है उससे नाराज़ हुआ था, जिस पे उसे झूठा बोला था, वो कहानी एक बड़े स्नेक के बारे में थी। जब जो वो लब्बू बताता है कि उसे अपने लद्दाख हंटिंग के लिए जब वह गया था जोली जॉन साहब के साथ, तब मिला था। तो इस कहानी पर जो लब्बू को बिल्कुल भी विश्वास नहीं होता, इसलिए वह उसे चिढ़ कर वहाँ से भागता है। अब आगे हम देखते हैं कि जब वो लब्बू है जो कुलदीप सिंह के साथ नेपाल हंटिंग पे जाता है तो उनके साथ और भी बहुत सारे लोग होते हैं। और उसके जाने के बाद है जो लोग हैं, जैसे कि सूबेदार दीप सिंह और उसके एम्प्लॉयज़ या गांव के और लोग हैं, वह लब्बू की बुराई करना शुरू कर देते हैं कि वह कोई अच्छा इंसान नहीं है, वह हमेशा झूठ बोलते रहता है और ऐसी ऐसी बातें उसके बारे में करते हैं, जिसके बाद जो नरेटर है उसे एहसास होता है कि शायद के सच में वो झूठा ही है। पर वो इस चीज़ को कंफर्म करना चाहता है, इसलिए वो लब्बू की वेट करता है कि कब वो आए। और उसे एक तरह से पछतावा भी हो रहा है कि उसने उसे ऐसे बुरा बिहेव किया, उसे ऐसे नहीं करना चाहिए था। तो कुछ समय बाद है जो लब्बू है वो वहाँ वापस आ जाता है गांव में। नरेटर देखता है कि जो लब्बू है वो लंगड़ा कर चल रहा है और हमेशा अपने जो बेड पर पड़ा रहता है, कुछ ना कुछ ऐसे सोचता रहता है, बोलता रहता है, पर वो किसी और से बात नहीं करता, पहले की तरह वह कहानियाँ नहीं सुना रहा था। तो इस वजह से जो नरेटर है उसे बहुत उसकी चिंता होती है और वो रिग्रेट भी करता है पिछली बातों को लेकर। और बट अभी यहाँ देखते हैं हम कि बाकी जो लोग हैं उन्हें लब्बू की कोई भी चिंता नहीं थी। अब जो नरेटर है वो हिम्मत करके एक दिन लब्बू के पास जाता है और उससे पूछता है कि उसे क्या हुआ और वो बात क्यों नहीं करता है, पहले की तरह कहानियाँ क्यों नहीं सुनाता है। तो वो जो लब्बू है वो उससे बात करना शुरू करता है और फिर उसे पहले की तरह कहानियाँ सुनाना शुरू कर देता है कि जब वह हंटिंग पर गया था कुलदीप सिंह के साथ तो उसने देखा कि जो उसका पूरा ग्रुप था, जो उसके साथ लोग आए थे, उन्हें जो शिकार करना नहीं आता, वे बहुत आवाज़ करते हैं, उन्हें गन भी यूज़ करनी नहीं आती अच्छे से। और दूसरी तरफ जो लब्बू है वो खुद के लिए बोलता है कि वह तो तीर से भी है अच्छे से वो निशाना लगा लेता है और शिकार कर लेता है। और उनके उस ट्रिप के टाइम पर उसने 7 दिनों में 15 चीते और जो
12 टाइगर्स और 15 जो पैंथर्स है वो मार गिराए थे, और आठवें दिन वहाँ उन्हें एक मॉन्स्टर दिखाई दिया। और वो जो मॉन्स्टर था वो दिखने में कैसा था उसके बारे में वो बताता है कि उसकी जो बॉडी थी वो एक बियर की थी, और उसके जो पैर थे वो एक गोट की तरह थे, और उसकी जो टेल है वो वाइट बुल की तरह थी, एंड जो उसका वाइट सिल्कन वेल था वो रानी ऑफ बूंदी जो एक बार जो सूबेदार दीप सिंह की वाइफ को विजिट करने के लिए आई थी, तो उसकी बॉडी पे कुछ ऐसा फाइबर टिश्यू था जो उस वेल की तरह लग रहा था। लबू आगे बताता है कि जो कुलदीप सिंह और उसके दोस्त थे वह तो उस मॉन्स्टर को देखकर डर गए थे, पर उसे लबू कहता है कि उसे एहसास हो गया था कि वह कोई मॉन्स्टर नहीं है बल्कि किसी मैजिशियन ने नेपाल की जो रानी है जो प्रिंसेस है उन्हें ऐसा बना दिया है अपने जादू से, तो वह चाहता है कि वह उसे आज़ाद करवा ले, और उसने अपने जो है मंत्रों से उसे आज़ाद भी करवा दिया। और जब वह देखता है कि वो बहुत ही ब्यूटीफुल एक लड़की थी और वह चाहता है कि वह उसके साथ आए और वह उससे शादी कर ले, बट जो उसी टाइम पे है कुलदीप सिंह और उसके साथियों ने गोलियों की बौछार कर दी जिससे डर कर वह प्रिंसेस है वहाँ से भाग गई, और इन्हीं वजह से जो जादूगर है वह भी वहाँ आ जाता है, और उसने जो एक स्नो माउंटेन है वो लबू पर गिरा दिया। पर लबू ने क्या किया, उसने एक हॉट ब्रेथ से है उस पूरे स्नो माउंटेन को पिघला दिया और वह टूटकर ऐसे बिखर गया, आसमान में लट गया जैसे कि स्टार्स हैं आसमान में होते हैं। लबू बताता है कि वह मैजिशियन वहाँ नहीं रुका, वह उसे जान से मार देना चाहता था, इसलिए उससे जान बचाते हुए लबू वहाँ से भागा। तो इसके बाद जो नरेटर है वो पूरी बात सुनने के बाद कहता है कि शायद वहाँ से भागते भागते तुम्हारे जो पैर है उसमें मोच आ गई होगी इसलिए तुम लंगड़ाकर चल रहे हो। और इस बात पे जो लबू है वो हंसना शुरू कर देता है और कहता है कि मैंने ये बात तुम्हें कब कही और ये कहानी मैंने तुम्हें कब सुनाई है जो तुम ऐसे बोल रहे हो। बस यहीं ये कहानी समाप्त होती है। तो इस कहानी को पढ़ने के बाद हम देखते हैं कि जो लबू है वो असल में लायर नहीं था, बस वह जो बातें हुई थी उन्हें बढ़ा चढ़ा कर बताता था, वो भी इसलिए ताकि वो लोगों को एंटरटेन कर सके। सिर्फ एंटरटेनमेंट के पर्पज़ से वह बातों को बढ़ा चढ़ा कर बताता था, ना कि वह कोई झूठ बोलता था। तो ऐसे हम देखते हैं कि जो वो लबू है वो लायर नहीं था असल में, वो बस अपनी इमेजिनेशन को यूज़ करता था, और उस इमेजिनेशन जो उसकी थी उसे लोगों के सामने जो एक्सप्रेस करता था, वो लोगों तक उस चीज़ को पहुँचाता था वो जो भी सोच पाता था। तो बस यहीं ये कहानी ख़त्म होती है, एंड अपना इतना समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।